1 जून से 10 जून तक किसानों द्वारा किए जा रहे गांव बंद आंदोलन को लेकर बड़वानी के मजदूर किसान संघ ने लगभग 200 गांवों में जागरूकता रैली निकालकर किसानों को समझाइश दी कि वे अपनी उपज फसल दूध और सब्जी को शहरों तक नहीं ले जाएं। यह आंदोलन पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा और किसी पर कोई दबाव नहीं रहेगा। पिछले वर्ष मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रदेश में किए जा रहे किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वही बड़वानी में गांव बंद के आंदोलन को लेकर किसान मजदूर महासंघ ने साफ किया कि यह आंदोलन पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। वही जिला अध्यक्ष का कहना है कि दोनों पार्टियों की नीति की वजह से आज किसान परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी दो मांगे हैं, जिसमें एक तो किसान को उसके उपज का पूर्ण दाम मिले और दूसरा किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, क्योंकि आजादी के 70 साल से किसान कर्ज की खेती करता आ रहा है, वह कर्जदार हो गया है। हम किसानों के साथ साथ गांव शहर वालों से भी अपील कर रहे हैं कि गांव बंद आंदोलन के दौरान शहर वाले गांव में आए और किसानों से उपज खरीदें। किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में 1 से 10 जून के बीच में जो गांव बंद आह्वान का किया गया है, उसके लिए पहले जिले में 200 गांव में करीब किसान जागरूकता अभियान की रैली निकाली गई और तो किसानों को समझाया गया कि 1 से 10 जून के बीच में किसान अपनी फसल सब्जी दूध कोई भी शहर लेके नहीं जाएगा और शांतिपूर्वक गांव बंद महोत्सव मनाया जाएगा और कोई भी संगठन के माध्यम से किसी को जबरदस्ती नहीं रोका जाएगा, स्वैच्छिक रहेगा। जैसे आज प्रभारी मंत्री जी का बयान था कि कांग्रेस उसको उकसा रही है, किसान आज भी भाजपा के साथ है। किसान जो आज किसान की जो हालात है उसके लिए दोनों ही दल जिम्मेदार हैं।